एवरीवन, अज मैं तुहानू स्टैम स्टिच बारे दसन जा रही हाँ। स्टैम स्टिच तो भाव डंडी टांके तो है। ये असी ज़्यादातर डंडिया दे विच, डंडिया की फिलिंग करन विच जां फिर डंडी की आउटलाइन करन विच इस्तेमाल करते हैं। डंडी टांका ज़्यादातर डंडिया विच पाया जाता है जां फिर इसनू आउटलाइन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादातर ब्राउन जां ग्रीन कलर दे धागे नाल बनाया जाता है। अज मैं तुहानू ये स्टिच बना के दिखाना लगी हाँ। सब तो पहले आपां एक डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है, उस दे विच एक डंडी तैयार कीती है। तो हुण मैं डंडी किस तरह बनाउणी है उसनू दसन जा रही हाँ। सब तो पहले कपड़े दे निचों सूई और धागा कढ़ लैणा है। उस तो बाद थोड़ा जिहा स्टिच उस लाइन तो ही उठाना है। इस तो बाद ये वापस फिर उसी तरह यही मैथड अप्लाई करना है। सूई एक साइड नू ही कटनी है, एक तरफ ही वार वार रिपीट करन नाल साडा डंडी टांका स्टिच बन जाता है, जिसनू असी स्टैम स्टिच के नाम नाल भी जानते हैं। नहीं कि असी इसनू डंडिया विच ही पाईए, इसनू असी फ्लावर दी शेप विच भी बना सकते हैं। इसनू असी आउटलाइन स्टिच भी कहते हैं। तो इस दे नाल असी होर भी सहायक स्टिच का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह ही जिमें कि हुण असी चिड़िया दे विच असी इस स्टिच नू तैयार किया है। इस दे नाल असी छोटे छोटे लेजी डेजी और इसनू असी डंडिया दे विच भी फिल किया। इस तरह असी कोई भी डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। थैंक यू।